नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंद दास। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम ध्यान, प्राणायाम, योग, पूजा, साधना, व्रत या किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक अभ्यास कर रहे हैं, यहाँ तक कि अगर आप कुंडलिनी का भी अभ्यास कर रहे हैं, तो आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपकी कुंडलिनी शक्ति कहाँ तक पहुँची है, या कौन सा चक्र एक्टिवेट हुआ है या एक्टिवेट हो रहा है। यानी आज हम हमारी कुंडलिनी शक्ति कहाँ तक पहुँची है, इसके बारे में जानेंगे। इस अभ्यास का लाभ यह है कि जैसे कि इस अभ्यास से सप्त धातु का रूपांतर ओज में हो जाता है, यही ओज आगे चलकर प्रभा मंडल में बदल जाता है, जो कि सिर के चारों तरफ फैल जाता है। इसकी वजह से चेहरे पर चमक बढ़ती है, ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद मिलती है, मन पर नियंत्रण होता है, बुरे विचार दूर होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि हमारी कुंडलिनी शक्ति कहाँ तक पहुँची इसके बारे में जान सकते हैं। आइए आप जानते हैं इस विधि को। इस विधि का नाम है अश्विनी मुद्रा या वज्रुली मुद्रा। यानी अश्विनी या वज्रुली मुद्रा द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारी कुंडलिनी शक्ति कहाँ तक पहुँची है या कौन सा चक्र जागृत हो रहा है। अब हम जानेंगे अश्विनी मुद्रा या वज्रुली मुद्रा की विधि को। यह बहुत ही आसान है। जब भी आप योग, साधना, पूजा या किसी भी प्रकार का अभ्यास कर रहे हैं, तो जब आपका अभ्यास समाप्त हो जाए, तब तुरंत किसी भी आसन पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर गुदा को 25 से 50 बार संकुचित करें और छोड़ें। इसमें आपको 30 से 1 मिनट का समय लगेगा, यानी 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक का समय लगेगा। इस अभ्यास को जब स्त्री करती है तब उसे अश्विनी मुद्रा कहा जाता है, इस अभ्यास को जब पुरुष करता है तब इसे वज्रुली मुद्रा कहा जाता है। याद रखें, कुर्सी पर या किसी भी आसन में बैठकर गुदा को 25 से 50 बार सिर्फ संकुचित करना है, अंदर की तरफ संकुचित करना है, फिर छोड़ना है, फिर संकुचित करना है, फिर छोड़ना है, फिर संकुचित करना है, फिर छोड़ना है। इस तरह से 30-40 बार आप करें। अब क्या होता है, जब आप अश्विनी या वज्रुली मुद्रा कर रहे होते हैं, उस समय आपके मूलाधार के ऊपर रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट का एहसास होता है। इसे आप सनसनाहट कह सकते हैं, झुनझुनाहट कह सकते हैं, लेकिन ऐसा करते समय अलौकिक आनंद का एहसास होता है। यही सनसनाहट रीढ़ की हड्डी में जितनी ऊंचाई तक जाएगी, तो आप समझ जाइए कि वहां तक के चक्र जागृत हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, अश्विनी या वज्रुली करते समय यह सनसनाहट का एहसास अगर मूलाधार चक्र तक ही हो रहा है, तो यह समझिए कि मूलाधार जागृत होने की अवस्था में है, और यही सनसनाहट मूलाधार के ऊपर जा रहा है, तो यह समझिए कि स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होने की अवस्था में है। इस तरह से आप ऊपर के चक्रों के बारे में अंदाज लगा सकते हैं। तो यह अभ्यास आपको अपनी क्षमता के बारे में बताता है। जब भी आप आध्यात्मिक ध्यान या आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं, तो अश्विनी या वज्रुली मुद्रा के द्वारा आपको ये पता चल जाता है कि आपकी क्षमता बढ़ रही है कि कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है, पूरा अंदाज इसमें आ जाता है। सिंपल से नियम है, जब भी वज्रुली या अश्विनी मुद्रा करेंगे, आपके रीढ़ की हड्डी में ऊपर की तरफ सनसनाहट या झुनझुनाहट का एहसास होता है। यह सनसनाहट जितनी ऊपर तक जाएगी, वह आपका डेवलपमेंट माना जाता है। तो इसका अभ्यास आप रेगुलर करें और अपने आप को जानें। लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योग आश्रम अलग अलग शहरों में कुंडलिनी ध्यान का आयोजन कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर अपने शहर में सीखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहाँ पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। कम से कम 100 लोगों के नाम आने पर उस शहर में कुंडलिनी ध्यान का आयोजन किया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार में अवश्य शामिल हो जाएंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा चैरिटेबल ट्रस्ट या संस्था आप चला रहे हैं, तो आप अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ। धन्यवाद।